नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शर्मा, हमारे चैनल समस्या आपके समाधान हमारे में आपका स्वागत करते हैं। बालक मारकंडे भगवत भजन में डूबा रहा, पिताजी ने एक ही काम दिया है, मारकंडे भगवान शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना, शंकर का नाम स्मरण करना, शिव का नाम चित्तवृत्ति में रखना, भगवान शंकर की आराधना करना, और कोई भी बड़ा मिल जाए बस उसको प्रणाम करना, कोई मिल जाए उसको नमन करना। कितना सुंदर संस्कार बच्चों को दिया कि कोई मिले उसको प्रणाम ना करना, कुछ नहीं जाए। एक दिन मारकंडे बाबा ने पूछ लिया अपने पिता मारकंडू जी से, प्रणाम करने से क्या मिलता है, झुकने से मिलेगा क्या? मारकंडू जी ने कहा, अगर एक बार झुकना सीख गया तो तेरे को कोई उखाड़ नहीं सकता। कितना सुंदर चरित्र श्री मारकंडू जी ने मारकंडे जी को श्रवण कराया। एक बार एक विशाल नदी समुद्र के पास जाकर कहती है, समुद्र में बहुत विशाल नदी हो, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र कहता है, अरे ओ नदी, तू मुझे जानती नहीं, मेरे पास सब कुछ है, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास में नहीं है। समुद्र कहता है, मेरे पास सब कुछ है, सर्वस्व। नदी कहती है, अरे ओ समुद्र, तू मुझे जानता नहीं, मैं बड़ी विशाल नदी हूँ, तू जो बोलेगा मैं लाकर दे सकती हूँ। समुद्र ने देखा कि नदी में बड़ा इनकार था, तो समुद्र ने कह दिया, नदी तू सब कुछ ला सकती, हाँ तो एक काम कर, मुझे हरी हरी दूबा, हरी 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 घास दुर्वा ला कर दे, केवल दुर्वा, हाँ केवल हरी हरी घास, हाँ। नदी बोली, मैं अब भी लाकर देती हूँ। नदी को तो मालूम होता कि मेरे घाट पर किनारे पर बहुत सारी दुबा लगी है, घास लगी है, मैं उखाड़ कर लिया हूँ। और नदी गई और अपने जल को घास पर चढ़ाया, दुर्वा पर चढ़ाया और तोड़ने लगी। नदी का पानी जैसी घाट पर चढ़ता, दुबा को तोड़ने के लिए, घास को तोड़ने के लिए, वो दुर्वा पानी के वजन के आते ही नीचे झुक जाता। जो खड़ी हुई दुर्वा थी वो झुक जाता, जैसी दुर्वा झुकती नदी उसको तोड़ नहीं पाता। 2 घंटे लग गए नदी को दुर्वा और घास को तोड़ने में, 2 घंटे, पर वो नदी की प्रबलता उस दुर्वा को नहीं तोड़ पाई, उस घास को नहीं तोड़ पाई। बहुत प्रयास, नहीं टूटा। आखिरी में नदी समुद्र के पास आ गई और समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुर्वा तोड़कर नहीं ला सकता, मैं घास उखाड़ कर नहीं ला सकता। इतने में समुद्र ने कहा, नदी तू तो क्या, जगत में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि झुकने वाले को उखाड़ सके, वो दुर्वा झुकना सीख गई थी इसलिए तू उखाड़ नहीं पाई। मारकंडू जी मारकंडे से कहते हैं, जगत में जो झुकना सीख जाता है, जगत में जो झुकना जानता है, उसको दुनिया में कोई उखाड़ नहीं पाता है, दुनिया में कोई उखाड़ नहीं सकता। बच्चों को एक आदत जरूर डालिए कि आप शंकर जी के मंदिर जाओ, बच्चों को एक आदत जरूर डालो कि आप शिव का स्मरण करो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, घर के बड़ों के आगे प्रणाम करो, नमन करो, झुको, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मारकंडे जी सीख गए कि अब प्रणाम करना है, बस नमन करना है, कोई भी। एक बार शंकर पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले थे और मारकंडे जी ने उनको प्रणाम कर लिया, माता पार्वती घूम रही थी, उनको नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया। पार्वती जी ने कह दिया, चिरंजीवी भव, क्या वर दिया है, चिरंजीवी भव। 2 वर होते हैं, एक होता है आयुष्मान भव और एक होता है चिरंजीवी भाव।
दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। घर की मां अपने बेटे को वर देती है आयुष्मान भव, घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को वर देते हैं आयुष्मान भव। माता सीता ने हनुमान जी को वर दिया था चिरंजीवी भव। माता पार्वती ने मार्कंडेय जी को वर दिया था चिरंजीवी भव। आयुष्मान और चिरंजीवी दोनों में अंतर है। तो किसी ने कहा गुरु जी इसमें अंतर क्या है, दोनों में तो उम्र बढ़ रही है, चिरंजीवी में भी उम्र बढ़ रही है और आयुष्मान में भी उम्र बढ़ रही है, तो अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है आयुष्मान भव मतलब तुम्हारी उम्र बहुत रहे, तुम्हारी उम्र बढ़ जाए, खूब जियो, पर आयुष्मान भव में तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। अभी 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80, 90, 100, 125, ये जो जो आयुष्मान भव उम्र बढ़े और उम्र बढ़ रही है। अब उम्र बढ़ रही है तो शरीर तो ढल रहा है ना मेरे भाई, उम्र बढ़ेगी तो शरीर ढलेगा। अब आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद मिला है तो तुम 70 के हो गए, 80 के हो गए। अब कई कई लोगों को इतना आशीर्वाद मिला रहता है आयुष्मान भव की पलंग पर पड़े ही रहते हैं, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, 2-3 बार तो गोबर से लीप के सुला दिया जमीन पर, फिर ठीक हो गए क्योंकि आयुष्मान भव। आयुष्मान फिर ऐसा लगा कि अम्मा गई, फिर गोबर लीप के सुलाया, मालूम पड़े फिर जिंदा हो गई, 2-4 हफ्ते फिर निकाल दिया आयुष्मान भव। अब ईमानदारी से बोलना रे भाई, ऐसा आयुष्मान भव किस काम का? शरीर काम नहीं करे, इंद्रियां शिथिल हो गई, पलंग पर ही गंदगी कर रहे हैं, केवल शरीर में श्वास चल रही है, इंद्रियां शिथिल पड़ी हैं, न खा सकता न बोल सकता, मुख में नलियां डली हुई हैं, लिक्विड लिक्विड घोल घोल कर जूस 2-2 चम्मच दिया जा रहा है, मात्र श्वास चल रही है, तो ऐसा आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद किस काम का? क्या काम का है आयुष्मान भव? कि केवल उम्र बढ़े? नहीं। माता पार्वती ने मार्कंडेय जी को आशीर्वाद दिया, माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है कि जैसे अभी हो वैसे की वैसे पूरी जिंदगी भर बने रहना, चिरंजीवी भव, जैसे अभी हो वैसे की वैसे ही रहो। आपसे भी निवेदन है, अगर बच्चों को आशीर्वाद देना है तो आयुष्मान भव होने का नहीं, मालूम पड़े उम्र तो बढ़ जावे अवस्था, नहीं नहीं चिरजीवी भव, जैसे अभी हो ऐसे ही बने रहना, जिंदगी भर ऐसी स्वस्थ मस्त आनंद में बने रहना, जितना मांग में सिंदूर आज भरती हो, जितने लाल लाल चूड़े आज पहनती हो, चिरजीवी भव, ऐसे ही अखंड सौभाग्य तुम्हारा रहे और तुम ऐसे ही मांग भरती रहो, चिरजीवी। मार्कंडेय जी ने शिव जी से कहा था जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। माता पार्वती ने वर दे दिया चिरंजीवी भाव। आज मार्कंडेय जी का अंतिम दिवस है, यमराज तैयारी कर कर आ रहा है सेना लेकर मार्कंडेय जी को लेने के लिए, यमदूतों को भेज दिया चलो तैयारी करो आज मार्कंडेय को लेकर जाना है। तो यमदूत कहते हैं वो तो शंकर जी का भजन कर रहा है, शंकर जी से जाकर पूछा ले जाए इसको, शंकर भगवान ने कहा इसकी इतनी उम्र थी ले जाओ। मार्कंडेय जी को लेने के लिए जैसे ही नीचे उतरे यमराज, इतनी देर में तो एक गोल चक्र मार्कंडेय जी के पास में चल रहा था, एक गोल चक्र चल रहा था, तो किसी एक यमदूत ने पूछ लिया कि मार्कंडेय के पास में तो कोई चक्र चल रहा है, तो यमराज बोले कौन का चक्र होगा जरा हम भी देखें। जो जाकर देखा तो ना तो भगवान विष्णु का था, ना भगवान शंकर का था, ना भगवान ब्रह्मा का था, ना 33 कोटि देवता का था। अगर वो चक्र था तो माता पार्वती के तेज पुंज का था, अगर वो चक्र था तो माता जगत जननी जगदम्बा ने जो वर प्रदान करा था, एक सातित्ववान स्त्री ने, एक धर्मवान पुण्यवान आनंदवान अखंड सौभाग्यवती नारी ने जो वर दिया था, बस वही चक्र मार्कंडेय जी के पास घूम रहा था, वही चक्र। ये
स्त्री के मस्तक पर जो ये कुंकू की बिंदी होती है ना, ये किसी चक्र से कम नहीं होती है जी। माँ जगजननी इतनी कृपा कर दी है, ये चक्र मार्कंडे जी के आसपास घूम रहा है। यह चक्र कोई दूसरा नहीं, माँ जगजननी दुर्गा भवानी माता पार्वती का ही चक्र है और माँ की कृपा। यमराज अंदर प्रवेश करने लगे, चक्र में जलने लगे, भागे। शिव जी के पास गए, भोलेनाथ ये माता पार्वती ने जरूर कोई वर दिया है। माता पार्वती ने कोई मार्कंडे जी को आशीर्वाद दिया है? क्यों क्या हुआ? ऐसा लगता है कि माता पार्वती ने मार्कंडे जी को आशीर्वाद दिया है, इसलिए मार्कंडे बाबा के पास में चक्र घूम रहा है। मार्कंडे जी के नजदीक में एक चक्र घूम रहा है, मार्कंडे बाबा के पास में एक चक्र घूम रहा है। अच्छा हाँ, भगवान शिव पार्वती जी के पास गए। गौरा, ए गौरा, गौरा बाबा, प्रभु बोलिए क्या बात है? गौरा तूने मार्कंडे जी को कोई आशीर्वाद दिया क्या? पार्वती जी बोली, मार्कंडे जी कोई नहीं पहचानती मैं तो, कौन मार्कंडे? हम तो जानते ही नहीं। भगवान शंकर लेकर गए पार्वती जी को, ये देखिए मार्कंडे। अरे पार्वती जी बोली, ये तो वो बालक है, अपन शाम को घूमने गए थे ना, जब मैं अकेली फूल तोड़ने के लिए गई थी तो वहीं मिल गया था, मेरे प्रणाम करा था तो मैंने सोचा आशीर्वाद दे दूं, दे दिया। शंकर भगवान बोले, कौन सा? चिरंजीवी भाव। शंकर भगवान बोले, हो गया कल्याण बस। अरे पार्वती, इसको तो मरना था। तो पार्वती जी बोली, उठा ना, अगर मरना ही था तो उठा। माता जगजननी जगदम्बा बोली, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम कौन है आपकी अर्धांगिनी? शंकर भगवान से आप भी कह सकते हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, अपने आहुतों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए शिव महापुराण की पोथी बिठाई है, हमने तुम्हारी कथा सुनी है, हमने तुम्हारी आराधना करी है, हमने तुम्हारी अर्चना करी है, हमने शंकर भगवान तुम पर एक लोटा पानी चढ़ाया है, हमने भोलेनाथ तुम्हारा अभिषेक करा है, हमने पशुपति व्रत करा, हमने 16 सोमवार करे, हमने संकट सोमवार करा, हमने प्रदोष करा, ये सब तुम्हारे करे, अगर हमें दुख मिलेगा दुनिया हम पर नहीं हंसेगी, तुम पर हंसेंगे। क्या कहेंगे लोग, इतनी पूजन करती थी, इतना सोमवार का व्रत करती थी, इतना ये करती थी, हमारी कोई हंसी नहीं उड़ने वाली, उड़ेगी तो तुम्हारी, तुम जानो तुम्हारा काम। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए, पकड़ लो मेरे भोले ना, नहीं तो डूब जाए। हमारा क्या बिगड़ेगा, बस छोड़ दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। पार्वती जी ने जैसे शंकर भगवान बोले, तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, बहुत चिरंजीवी भाव, हाँ दे दिया, अब इसका होगा क्या? पार्वती जी बोली, तुम जानो, तुम ही तो हमको घुमाने बगीचे में ले गए थे, जो फूल दिखा था तुमने ही तो दिखाया, तुम्हारी ही आज्ञा थी तो मैं तोड़ने गए, अगर तुम कृपा ना करते तो मैं घूमने जाती क्या, तुम कृपा ना करते तो मुझे फूल दिखता क्या, तुम कृपा ना करते तो मैं फूल तोड़ती क्या, और तुम कृपा ना करते तो क्या मार्कंडे मेरे चरणों में आता क्या, ये सब तुम्हारा ही तो दिया हुआ, सब कुछ तुम्हारा।
तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये सब कुछ तो तुम्हारा, दुख भी दिया तो आपने और सुख भी दिया तो आपने, धन भी दिया तो आपने, वैभव दिया तो आपने, दौलत दी आपने तो सत्ता दी आपने, घर में पुत्र दिया तो आपने और जमीन और जायदाद दिया तो आपने, तो आप ही तो सब कुछ कर रहे हो और उल्टा हमसे कह रहे हो। शंकर भगवान बोले आ बेल मुझे मार बताओ, आशीर्वाद खुद दिया और नाम मेरा ले रही है। सुनार की दुकान पे से पत्नी मंगल सूत्र बनवा के ले आती और सुनार पूछता पैसा कौन देगा, तो पत्नी कहती है बस वही देंगे। वही बस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। भोलेनाथ तुम्हारा यमराज कह रहे हैं प्रभु इसका अंतिम दिन है क्या करना है। शंकर भगवान बोले कुछ नहीं करना है, चिरंजीवी भव, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु भोलेनाथ पार्वती के एक शब्द के लिए आप सृष्टि को पलट रहे हो, ब्रह्मा जी की लेखनी को पलट रहे। भगवान शंकर बोले सृष्टि पलटने में क्या दिक्कत है, ब्रह्मांड की लेखनी पलटने में क्या दिक्कत है। मार्कंडेय शिव का उपासक है, इस मार्कंडेय ने शंकर की आराधना करी है। मैं फिर निवेदन करूंगा यदि कोई बड़ी बीमारी घेर रही है, कोरोना जैसी महामारी भी अगर आपको घेर रही है, निवेदन है डॉक्टर अपना काम करे, तुम घटकी जीवा से नमः शिवाय जपते रहना, श्री शिवाय नमस्तु हम कहते रहे। कहते रहो शंकर का अनुमोदन करते रहो, शिव का स्मरण। भगवान शंकर का भजन कीर्तन स्मरण नाम जाप करते रहो। दुनिया में ऐसा कौन सा रोग है जो शिव नहीं मिटा सकता, ऐसा कौन सा दुख है जो शिव नहीं काट सकता, उस पे भरोसा रखकर उसके सम्मुख में पहुंचो, भरोसा रखकर उसके सामने पहुंचो। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, चाहे सोम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई से भी दिन पड़े, जो प्रदोष काल के समय तीन कलश में दूध लेकर उसमें काली तिल डालकर जो डालकर और उसमें थोड़ा सा डाब डालकर, डाब मतलब कुसा डालकर पीपल बड़ और बेल पत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज, लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं हो सकती। दुकान व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री कुछ भी अगर खड्डे में भी जा रही है तो ऊपर जाती है। श्राद्ध पक्ष के प्रदोष का इतना महत्व होता है, पर प्रदोष काल में ही चढ़ेगा शाम के समय, प्रदोष काल पीपल के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के नीचे घी का दिया लगाकर आप दूध समर्पित करो, स्टील के पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर कटोरी में ले जाओ, अगर पात्र बर्तन नहीं ले जा सकते तो कटोरी पर ले जाओ समर्पित। शिव का सबसे प्रिय अगर कोई व्रत है तो प्रदोष का ही व्रत, शंकर को राजी है वो, क्योंकि शिव और पार्वती का दोनों का मिलन का व्रत है।
भगवान शंकर के मिलन का व्यापार। भगवान मार्कंडे बाबा से कहा, भगवान शंकर ने, मार्कंडे जी आपने शिव आराधना करी है, आपने माता पार्वती का वर प्राप्त करा है, इसलिए आप चिरंजीवी भव हो गए महाराज, आपके प्राण नहीं चाहेंगे। मार्कंडे जी ने भगवान शंकर से हाथ जोड़कर निवेदन करा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आपने कर दिया। शंकर जी कहते हैं ये मैंने नहीं करा। भोलेनाथ कहते हैं ये तो इसके भजन का प्रताप है।